Very fresh good morning to all. Today we are discussing the chapter number 16 and the name is triangles. Okay, so we are writing here some basic terms and definitions of this chapter. So firstly we are introduce triangles. Hum sabse pehle triangle ko introduce karenge kyunki the chapter ka naam kya hai triangles. So starting hamari triangle se hoti hai ki what is triangle, triangle hota kya. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं डायग्राम बनाई हुई है. ये ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर या एक पॉलीगन है. पॉलीगन मतलब कोई फिगर्स जिसकी साइड होती है, जिसके एंगल होते हैं, जिसके वर्टेक्स होते हैं. ओके, तो सबसे पहले बताते ट्राइंगल, ट्राइंगल्स है क्या. अ क्लोज फिगर विच हैव थ्री एंगल्स, थ्री वर्टेक्स एंड थ्री साइड्स. मतलब थ्री एंगल्स, फर्स्ट एंगल्स, सेकेंड एंगल्स एंड थर्ड एंगल. A closed figure which have three angles, three vertex, one vertex, two vertex and three vertex and three sides, one, two and three. So, kya iski definition kya banegi? A closed figure which have three angle, three vertex and three sides, or called as triangle. Usko hum triangle bolenge. Tri mean three, angle matlab side wala. Tri mean three and angle matlab side wala. तो जब आपके पास कोई तीन साइडों को, तीन एंगलों को, तीन वर्टेक्स को मिला के जब कोई फिगर बनती है, दैट फिगर इज कॉल्ड एज ट्राइंगल्स. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट इज सेकंड, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि यहां पे जब ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड है, यहां पे मतलब कि आपस दो से दो या दो से अधिक जो ट्राइंगल आपको दिए होंगे, तभी आप इस वर्ड को आप सेटिस्फाई कर पाओगे. अदरवाइज ये जो वर्ड है थोड़ा अधूरा रह जाएगा. अगर आप एक ट्राइंगल को बनाएंगे तभी आप इस वर्ड को फुलफिल कर पाएंगे. कॉन्ग्रुएंट मीन टू और मोर देन. तो यहां पे आपके पास लिखा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब होता है कि कोई दो एंगल, जैसे एंगल ए बी सी, एंगल डी ई एफ, तो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड देर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल. अब कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि एंगल ए एंगल एंगल डी आर इक्वल, एंगल बी एंड एंगल ई आर इक्वल एंड एंगल सी एंड एंगल एफ आर इक्वल. ये आपके पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है, देखो इसके सामने बिल्कुल एंगल डी है, बी के सामने बिल्कुल एंगल ई है, सी के सामने बिल्कुल एंगल एफ है. तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अब बात होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड. तो ए बी, ए बी जो है डी ई के कॉरस्पॉन्डिंग है, BC जो है EF के कॉरस्पॉन्डिंग है, और AC जो है DF के कॉरस्पॉन्डिंग है. मतलब बिल्कुल उसके सामने वाले, किसी किसी भी ट्राइंगल के सामने वाले जो एंगल उसकी साइड है वो एक दूसरे के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होती है. तो इसमें हमारे पास न्यू वर्ड आ गया कॉरस्पॉन्डिंग. तो कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है, टू और मोर एंगल्स विच हैव देयर एंगल्स एंड देयर साइड्स, देयर एंगल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड देयर corresponding sides are equal. That is called as congruent triangles. Understand? Okay. Next आ गया interior and exterior of triangle. Okay. Interior and exterior of triangle. अब interior मतलब अंदर वाली side और exterior मतलब बाहर वाली sides. तो यहां पर बड़ा clarify हो रहा है, ये बड़ा interior. हमारा इंटीरियर की बात कर, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल आपने ले लिया, एबीसी ले लिया, तो एबीसी में अंदर हमारे पास कोई हमारे डॉट लगा दी, मानो ये कोई हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये क्या है, इंटीरियर है, ये इंटीरियर पॉइंट है. मान लो हमारे पास ये पॉइंट पी है, तो ये पी क्या है, दिस इज द इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल. और इसे मानो सपोज को मैंने यहां पर ले लिया कोई पॉइंट, ये आर पॉइंट ले लिया, तो आर क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट. तो सेम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर साइड एंड एक्सटीरियर साइड, अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल. अब बात करते हैं अगर हम इंटीरियर एंगल की, तो ये एंगल हमारे पास क्या है, इंटीरियर. अगर इसी एंगल को मैं आगे प्रोड्यूस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, दिस इज आवर एक्सटीरियर एंगल. ये हमारे पास हो गया इंटीरियर एंगल एंड ये हो गया हमारे पास एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल. अंडरस्टैंड. तो ये आपको इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में बड़ा क्लियरिफाई हो गया होगा. इंटीरियर मीन अंदर वाले साइड और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले साइड, कुछ भी, चाहे पॉइंट चाहे एंगल, बट एवर कुछ भी होगा आपके पास. राइट, ओके. नेक्स्ट आपके पास आ गया वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स. अब नेक्स्ट आ गया वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स.
अब हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब मैं यहां पे एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं ए बी एंड सी। अब बोला है कि आपके पास ए बी सी आपके पास इक्विलेटरल है, मतलब उसकी ये साइड ए बी साइड ए सी साइड एंड बी सी साइड आर इक्वल, तीनों साइड जब आपस में इक्वल होंगी दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड एज इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल में और एक कंडीशन और बनती है कि आपके पास सभी एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, सभी एंगल आपस में क्या होंगे ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और ये तीनों एंगल जो है आपस में 60-60 डिग्री के बैठते हैं। क्योंकि आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कि एंगल सम प्रॉपर्टी ये बोलती है कि सभी ट्राइंगल के एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल जो होता है वो 180 डिग्री के 180 डिग्री के बराबर होता है। अंडरस्टैंड, मतलब कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसको हम क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस मतलब टू एंगल्स, टू साइड है। अब मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, जैसे मान लो यहां पे पी क्यू और आर, ये एक मैंने ट्राइंगल बना दिया। इसमें बोल दिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है कि कोई दो साइड है, चाहे आप पी क्यू ले लो चाहे पी आर ले लो, चाहे पी क्यू ले लो चाहे क्यू आर ले लो, चाहे पी क्यू ले लो चाहे पी आर ले लो, ये साइड इसके बराबर हो गई। तो पी क्यू जो है पी आर के बराबर होती है, ये किसका है आइसोसेलेस, मतलब दो साइड है, कोई दो साइड है आपस में इक्वल होती है। तो जब दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उस केस में हमारे पास एंगल क्यू और एंगल आर ये आपस में इक्वल होते हैं, क्या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। कि जब आपके पास पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल होगी साइड है तो एंगल क्यू और एंगल आर आपस में इक्वल होंगे, ये भी इसकी प्रॉपर्टी बनती है। आगे आप इसकी थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट हाई क्लासेस में, 7th 8th 9th में इसकी थ्योरम पढ़ेंगे आप आगे। ओके, एक चीज का ध्यान देना फ्रेंड, जब आपके पास PQ and PR आर इक्वल साइड्स देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो उस केस में Q एंड R आर इक्वल टू ईच अदर, एंगल Q और एंगल R इक्वल। नेक्स्ट आपके पास है क्या स्कैलन ट्राइंगल्स। अब स्कैलन मतलब कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं, ना कोई एंगल इक्वल, लग लग इसे मान लो आपने ले लिया, ये ले लिया ए बी सी, इसमें कोई साइड आपस में इक्वल नो एनी साइड्स आर इक्वल, उसको बोलते हैं हम स्कैलिंग। स्कैलिंग का ले लो आप, तो इसमें पी क्यू आर हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसमें नो एनी साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड एज स्कैलिन ट्राइंगल। एक बार फिर बता दोबारा से कहता हूं, इक्वल ट्राइंगल होता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होती है एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, अपोजिट एंड अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों। नेक्स्ट है स्केलेन ट्राइंगल्स, नो एनी साइड्स आर इक्वल नो एनी एंगल्स आर इक्वल। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स। नेक्स्ट आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता बेटा, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द साइड्स। जब हम किसी ट्राइंगल के तीनों साइडों का सम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स। अंडरस्टैंड। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सभी साइडों का सम कर दिया हमने, जब भी पेरीमीटर का मतलब समझ रहा आप, पेरीमीटर का मतलब होता है चाहे वो फिगर कोई भी आपके पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, व्हाटएवर ट्रेपेजियम है, ओके ट्राइंगल है, तो उस केस में हम सभी साइडों को सम करते हैं, सभी साइडों का जो हमें बेसमेंट दे रखी होती है उसको हम इक्वल टू करके उसको एड करके उसको वो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के इक्वल आ जाता है। अंडरस्टैंड। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड एज पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल्स। अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया नेमिंग ट्राइंगल बाय देयर एंगल्स। अब हमारे पास आ गया नेमिंग ट्राइंगल्स बाय देयर एंगल्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, आपके पास एक्यूट एंगल होता है, कोई आपके पास ट्राइंगल गिवन होगा उसके
इंटीरियर एंगल सारे जो अंदर वाले जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, मतलब लेस देन 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? लेस देन 90 डिग्री कि मतलब तीनों जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब लेस देन 90। तो लेस देन 90 होंगे इसका मतलब कि आपका जो गिवन ट्राइंगल आपके पास ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है और उसके तीनों एंगल आपस में 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, या एक्यूट ट्राइंगल बोलो या एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलो। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आ गया आपके पास राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? राइट मतलब कि कोई आपके पास ट्राइंगल गिवन होगा एबीसी आपका राइट ट्राइंगल होगा, देन वन एंगल इज 90 डिग्री, कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा ये, और दिस इज द साइन ऑफ 90 डिग्री। जब भी आपके पास साइन बना होगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये इस तरह से ये ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपको लाइन आ रही है, तो ये जो दिस इज द साइन ऑफ द परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के एंगल को शो करता है। अंडरस्टैंड? तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है अक्रॉस फिगर विच हैव एट लीस्ट वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट अब्टूज एंगल ट्राइंगल हम बात करेंगे। अब्टूज एंगल ट्राइंगल की, अब्टूज एंगल ट्राइंगल होता है हमारे पास कि एट लीस्ट कम से कम एक एंगल जो है 120 डिग्री का हो या 130 डिग्री का हो, तो मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री को कि 90 से बड़ा हो, कि एटलीस्ट वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से अप होता है, ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा एक एंगल, तीनों नहीं, ये दोनों तो हो सकता है टू एंगल हो, पर एक एंगल कम से कम एक एंगल जो है 90 से ग्रेटर होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन ऑफ द अक्यूज एंगल ट्राइंगल। अंडरस्टैंड? ओके, सेम ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल में कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी दो जितने मर्जी के होंगे, चाहे वो अक्यूट आए चाहे ऑब्ट्यूस है चाहे वह कुछ भी आए आपके पास, पर एक एंगल कंडीशन है कि जो एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री आना चाहिए, जितना मर्जी आए, चाहे आपके पास 91 डिग्री कहा जाए, चाहे 130 डिग्री कहा जाए, चाहे 150 डिग्री कहा जाए, चाहे 120 डिग्री का जाए, चाहे 110 डिग्री का जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री आना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके, तो इस तरह से आपने इसकी टर्म्स एंड डेफिनेशन बाकी पढ़नी है, और इसके कुछ क्वेश्चन है, इसके हमारे पास ओनली वन, जो हमारे पास इसके ओनली वन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 16, नहीं एक्सरसाइज नंबर दो, इसकी टू एक्सरसाइज है 16A एंड 16B, तो आपने इसके पहले क्वेश्चन करके देखने हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये इसकी 16A 16B एक्सरसाइज की भी मैं वीडियो सेंड करूंगा। ओके ओके, सो डू इट, कैरी ऑन, इसको आप करिए। थैंक यू सो मच।